फिल्म अभिनेत्री कंगना जो हमेशा सुर्खियों में बनी रहती हैं, एक बार फिर वो सुर्खियों में हैं और इस बार वजह उनका लोकसभा चुनाव लड़ना है, क्योंकि बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत को आखिरकार लोकसभा चुनाव 2024 का टिकट मिल ही गया। बीजेपी ने एक्ट्रेस को हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट का टिकट दिया है। अब इसे जीतना कंगना के लिए बड़ी चुनौती होगी। खैर, कंगना कामयाबी के शिखर से लेकर विवादों तक काफी सुर्खियों में बनी रहीं और आज हम उन्हीं को आपको बताएंगे कि कैसे कंगना का कामयाबी से विवादों तक और विवादों से लोकसभा टिकट तक का सफर रहा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज, आप देख रहे हैं शेष भारत। कंगना हिमाचल के मंडी में लोगों से वोट मांगने निकल पड़ी हैं। लोकसभा चुनाव में मंडी से टिकट मिलने पर कंगना ने एक्स पर लिखा, मेरे प्यारे भारत और भारतीय लोगों की, अपनी भारतीय जनता पार्टी को मैंने हमेशा बिना शर्त समर्थन किया। आज बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने मुझे मेरे जन्म स्थान हिमाचल प्रदेश के मंडी से अपना लोकसभा उम्मीदवार बनाया है। फिलहाल कंगना हाल ही के कुछ सालों से अपनी टिप्पणियों के लिए सुर्खियों में बनी रहीं। महाराष्ट्र में तत्कालीन एकजुट शिवसेना की अगुवाई वाली महाविकास अघाड़ी सरकार और मुख्यमंत्री रहे उद्धव ठाकरे के बारे में अपनी विवादित टिप्पणी के चलते कंगना चर्चा का विषय बनी रहीं और उनकी टिप्पणियों के चलते ये कयास लगाए जाने लगे थे कि शायद वो चुनावी राजनीति में जमीन तलाशने की कोशिश कर रही हैं। और जब सुशांत सिंह राजपूत मामले में उन्होंने तत्कालीन महाविकास अघाड़ी सरकार पर हमलावर रुख अपनाया और बाद में उन्हें वाई प्लस सिक्योरिटी मुहैया करवाई गई तो अनुमान ये भी लगने लगा कि वो जल्द बीजेपी में शामिल हो जाएंगी। वैसे तो कंगना हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का एक ऐसा नाम है जो हमेशा सुर्खियों में बना रहता है, हमेशा विवादों में बना रहता है, कभी अपने सधे हुए अभिनय को लेकर तो कभी लड़ाई झगड़ों को लेकर। फिलहाल हिमाचल प्रदेश में जन्मी कंगना ने जब अभिनय करने का प्लान बनाया तब सबसे पहले उन्होंने थिएटर डायरेक्टर अरविंद गौड़ से दिल्ली में अभिनय के गुण सीखे, उसके बाद मुंबई का रुख किया। मुंबई में आने के बाद कंगना की जद्दोजहद शुरू हुई, लेकिन उस समय कंगना को आदित्य पंचोली का साथ मिला। दोनों की दोस्ती खूब चर्चा में बनी रही और कंगना को आदित्य पंचोली की गर्लफ्रेंड तक बता दिया गया, जिसके बाद मंजिल की तलाश करते करते कंगना की मुलाकात फिल्मकार महेश भट्ट से हुई, जिन्होंने 2006 में अनुराग बासु के निर्देशन में बनी फिल्म गैंगस्टर में कंगना को लीड रोल दे दिया। इस पहली फिल्म के किरदार ने कंगना को सुर्खियों में लाकर खड़ा कर दिया। कंगना ने अपनी पहली फिल्म में इतना सधा हुआ अभिनय किया कि ना सिर्फ वाहवाही मिली, इन्हें फिल्म फेयर का बेस्ट डेब्यू अवार्ड भी मिल गया। साल 2007 में कंगना की वो लम्हे और लाइव इन मेट्रो जैसी फिल्म आई, मगर 2008 की फिल्म फैशन ने कंगना को अलग ही मुकाम दे दिया। मधुर भंडारकर की फिल्म फैशन इंडस्ट्री की कहानी कह रही थी, जिसमें प्रियंका चोपड़ा तो लीड रोल में थी, लेकिन इस फिल्म में कंगना का किरदार छोटा था, लेकिन वो छोटा किरदार इतना मजबूत बना कि इन्हें सपोर्टिंग रोल के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। इसी साल उनकी फिल्म राज 3 भी रिलीज हो गई थी। 2008 में कंगना सुर्खियों में फिर आई अपने रिश्तों को लेकर, जब राज 3 के हीरो अध्ययन सुमन के साथ इनके रिलेशनशिप की खबरों ने हेडलाइन बनना शुरू कर दिया, मगर कुछ ही समय में इनका रिश्ता टूट गया। यहां तक कंगना ने बॉलीवुड में अपने लिए अच्छा मुकाम तो हासिल कर लिया, मगर इन पर ठप्पा लग गया था एक ही तरह के सीरियस रोल करने का। वैसे ये भी हकीकत है कि फिल्म इंडस्ट्री में जब कोई किरदार या कोई फॉर्मूला हिट होता है तो उसकी लाइन लग जाती है। कंगना के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था, मगर कहते हैं कि नसीब अगर आपके साथ होता है तो मंजिल तक पहुंचने में जरूरत की हर चीज आपके सामने आती है। कंगना के सामने 2011 में आई रोमांटिक कॉमेडी फिल्म तनु वेड्स मनु और कंगना ने मौका हाथ से जाने नहीं दिया। इस फिल्म ने कंगना के करियर को एक नए मोड़ पर पहुंचा दिया। इस फिल्म के सीक्वल को वैसे ही बड़ी कामयाबी मिली और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार कंगना को मिल गया। इन दोनों फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर सफलता के साथ साथ दर्शकों से लेकर समीक्षकों की सराहना भी हासिल की। इस फिल्म का निर्देशन आनंद एल राय ने किया था और कंगना के साथ आर माधवन मुख्य भूमिका में थे, जिसके बाद 2014 का साल आया जिसने कंगना को बॉक्स ऑफिस की क्वीन बना दिया।
इसी साल फिल्म क्वीन रिलीज हुई और कंगना ने बॉलीवुड में अपनी कामयाबी की नई इबादत क्वीन फिल्म से लिखनी शुरू कर दी। विकास बहल द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने भी कंगना को राष्ट्रीय पुरस्कार दिलवाया। किस्मत कंगना का साथ देती रही और हर दो चार फ्लॉप फिल्म के बाद एक ऐसी फिल्म करियर में आती रही जिसने कंगना को टॉप पर बनाए रखा। खैर, कहा जाता है कि सुर्खियों में आना कंगना को बेहद अच्छे तरीके से आता है और ऐसा कई बार देखने को मिला। दरअसल कंगना अपनी पहली फिल्म से ही भली भांति जानती थी कि उन्हें कैमरे पर किस तरह आना है, किस तरह सुर्खियों में बने रहना है। एक बार एक शूटिंग के दौरान बहुत अच्छा फ्रेम बनाकर कैमरा लगाया गया था, मगर कंगना ने कैमरे का सेटअप ही बदलवा दिया क्योंकि उन्हें राइट साइड का प्रोफाइल नहीं देना था। फिल्म मणिकर्णिका का मुहूर्त बनारस के अस्सी घाट पर हुआ था, जहां मणिकर्णिका का बचपन गुजरा था। उस घाट पर सिर्फ गंगा आरती देखनी थी, मगर कंगना अचानक बिना किसी प्रोग्राम के पानी में उतर गईं और कंगना गंगा में डुबकी लगा बैठी। वो जानती थी कि गंगा में डुबकी लगाने वाला विजुअल मीडिया में खूब चलाया जाएगा, जिसके बाद ऐसा ही हुआ और उनकी डुबकी हेडलाइन बन गई। खैर, कई बार जब उनके साथ विवाद हुआ तब उनसे कई सवाल पूछे गए, तो इनमें कोई शक की बात नहीं है कि बिना झिझक बिंदास होकर उन्होंने कहा, मैं जो कुछ भी हूं अपने दम पर बनी हूं, इसलिए किसी की परवाह नहीं करती। यानी कंगना का अंदाज हमेशा निराला और अलग नजर आया है। फिलहाल सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद कंगना के तेवर और सख्त हो गए। उन्होंने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को आड़े हाथों ले लिया। एक बार फिर कंगना ने नेपोटिज्म और मूवी माफिया को उछाला। करण जौहर हो या सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान, सब पर कंगना ने निशाना साधा। इतना ही नहीं, उस महेश भट्ट से भी झगड़ा कर लिया जिसने कंगना को पहला मौका दिया। और गैंगस्टर, वो लम्हे और राज 3 जैसी सफल फिल्मों का हिस्सा बनाया। दरअसल सुशांत की डेथ मिस्ट्री में जब ड्रग आया तब कंगना ने कहा कि बॉलीवुड में 99% लोग नशा करते हैं। पिछले कुछ समय से कंगना फिल्म इंडस्ट्री के हर मुद्दों पर सामने तो आती ही हैं, साथ में देश के मुद्दों पर भी वो सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देती रहती हैं। कंगना के बयान पूरी तरीके से मोदी सरकार के समर्थन में नजर आते हैं। दिल्ली दंगों पर कंगना की बहन रंगोली के ट्विटर हैंडल के जरिए ट्वीट कर कंगना ने कहा था कि दिल्ली को सीरिया बना दिया गया। इन बॉलीवुड जिहादियों के सीने में ठंडक पड़ गई, कीड़ों की तरह मसल दो इन्हें। सुशांत सिंह राजपूत के केस में भी कंगना न सिर्फ कूदी बल्कि महाराष्ट्र सरकार को आड़े हाथों लिया, जो कि कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की गठबंधन सरकार हुआ करती थी। कंगना ने मुंबई को पाक अधिकृत कश्मीर तक कह डाला था, जिस पर राजनीति भी तेज हो गई थी। बीजेपी और शिवसेना आमने सामने आकर खड़ी हो गई थी। बीजेपी खुलकर कंगना के समर्थन में आ गई थी और कंगना को वाई प्लस सिक्योरिटी तक दे दी गई, जिसके बाद कई लोग उनके जल्द बीजेपी में शामिल होने के अनुमान तक लगाने लगे थे। नरेंद्र मोदी सरकार में शामिल राज्य मंत्री और राज्यसभा सांसद रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रामदास अठावले पहले ही कह चुके थे कि कंगना का बीजेपी में स्वागत है और बीजेपी उनका स्वागत करेगी। और हुआ भी ठीक वैसा, जब कंगना को लोकसभा का टिकट मिल चुका है। और अब कंगना राजनीति में अपना जलवा दिखा पाएंगी या फिर नहीं, ये तो खैर आगे आने वाला वक्त ही बता पाएगा। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।